नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी विन प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों, मैं पे जो मैच कवर करने वाले हैं वेजेस बंगाल वुमेंस T20 का मैच नंबर 17, जो कि दोस्तों में खेला जाएगा KAC वुमेंस वर्सेस RAC वुमेंस टीम्स के बीच। डिप्लेस करेंगे इस वीडियो में फुल स्टार्स पर्सन रिपो। दोनों टीमों के एक प्लेयर के स्टार्ट अकॉर्डिंग टू बैटिंग ऑर्डर से आपको बता दूंगा। इस मैच का टीम क्या रहने वाला है हमारा, वो भी आपको इसी वीडियो से मिलने वाला है। दोस्तों, वीडियो लाइक करके अपने शुरुआत करना। फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो जल्दी से आपको आके हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना है, जिसका लिंक मिलेगा आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में। लिंक पर क्लिक करके तुरंत आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, कभी कभार लिंक वर्क नहीं करता तो फिर सर्च करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाकर सर्च करें @RealFWP, आपको फैंटेसी इवेंट प्रेडिक्शन का चैनल दिखेगा। 7,500 के आसपास सब्सक्राइबर का चैनल होगा, वही हमारा एकमात्र रियल चैनल है, उसी चैनल को आपने ज्वाइन करना। हमारे नाम से कुछ फेक चैनल बने हैं तो उनसे आपने सावधान रहना। हमारे रियल चैनल पर जुड़ने का बेस्ट तरीका इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में जो लिंक है, आप लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन करेंगे तो आप डायरेक्टली रियल चैनल जुड़ेंगे। तो पहले लिंक से ज्वाइन करिएगा, और कभी कभार लिंक वर्क नहीं करता तो फिर टेलीग्राम पर अपने सर्च करिए और सेम यूजर नेम यहाँ पर देख के 7,500 के आसपास सब्सक्राइबर देख के हमारे रियल टेलीग्राम चैनल को ही आपने ज्वाइन करना है। दोस्तों, बात करें मैच की, तो मैच मॉर्निंग में सुबह 9 बजे से स्टार्ट होगा, और दोस्तों मैच होने वाला है बंगाल क्रिकेट अकेडमी कल्याणी वेस्ट बंगाल के अंदर मैच खेला जाएगा। यदि बात करें दोस्तों मैं विकेट की, तो ओवरऑल विकेट बैलेंस बन के अपने अपनी टीम क्रिएट करना है। बॉलर्स को आप एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है, खासकर दोस्तों मॉर्निंग का मैच है तो जो फर्स्ट इनिंग बॉलर बॉलिंग करेंगे तो उनके पेसर्स को शुरुआती ओवर में मोमेंट मिलता है और उसके बाद डेथ में विकेट मिल सकते हैं। बाकी पूरे दिन आपको सिर्फ स्पिनर्स का बोल वाला दिखेगा, क्योंकि दोस्तों वुमेंस के मैचेस में वैसे भी विकेट से मदद हो या ना हो, स्पिनर्स वैसे भी अच्छा खासा विकेट लेके जाते हैं। उसका रीजन है दोस्तों होता है कि वुमेंस के जो मैचेस होते हैं उसमें जो पेसर्स के ओवर होते हैं उसको डिफेंस करके निकाल देते हैं, लेकिन स्पिनर्स के ओवर में अटैक करने की कोशिश करते हैं। उसी सिचुएशन में स्पिनर्स अच्छा खासा विकेट लेके जाते हैं, विकेट से मदद हो या ना हो। यहाँ तो विकेट से अच्छी खासी मदद मिल रही है, बॉल अच्छा खासा टर्न हो रहा है, तो यहाँ पे स्पिनर्स के लिए तो मतलब सोने पे सुहागा है। तो जो मेन स्पिनर्स हैं टीम के, जो अपने 4 ओवर कंप्लीट कर रहे हैं, उनको छोड़ने का मत रिस्क लीजिएगा, क्योंकि वो कभी भी 2-3 विकेट ईजिली निकाल के जा सकते हैं, खासकर लेग स्पिनर। बात करें दोस्तों एवरेज स्कोर की, तो आपको 100 से 120 के बीच स्कोरिंग देखने को मिल सकती है। इधर कोई टीम बहुत बढ़िया खेलती है तभी 120 के आसपास स्कोरिंग पहुंचती है, नहीं तो मैक्सिमम टीमें 100 रन के आसपास ही स्कोरिंग कर रहे हैं। पहले दोस्तों हम बात करेंगे KCA वुमेंस की, तो इनके 5 मैच हुए हैं, 2 मैच में जीत हासिल किया हुआ, 3 मैच में इन्हें हार का सामना करना पड़ा है। KCA वुमेंस की बात करें दोस्तों, तो इनका बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से मैंने प्लेइंग 11 मेंशन किया हुआ है, और लास्ट के 5 मैचेस की पहुंच भी आप देख सकते हो। उसको ओपनिंग करते हुए देखेंगे द्वितीय पॉल, और ऐसे पियाली घोष लास्ट मैच में ओपन करने आई थी। बात करें दोस्तों पॉल की, लास्ट गेम में 8 रन किए थे, उसके बोले 12, 26, 9 और 3 का स्कोर है, तो ठीक ठाक चॉइस रहेंगे विकेट कीपिंग सेक्शन से। ग्रैंड लीग के अंदर ज़्यादा बढ़िया रहेंगे, क्योंकि सामने वाली टीम के विकेट कीपर थोड़ा ज़्यादा टैलेंटेड है, तो अपनी टीम में GL में जरूर ट्राई कर लीजिएगा। कैच और स्टंपिंग से थोड़ा बहुत पॉइंट दे सकते हैं। बैटिंग से 1 मैच में बस 20+ का स्कोर किया, 4 मैच में अंडर 20 ही आउट हुए हैं, तो ठीक ठाक पिक रहेंगे। बैटिंग से 10-15 रन से ज़्यादा उम्मीद नहीं करिएगा। इनके साथ ओपन करने आएंगे पियाली घोष, राइट हैंड बैट्समैन है, ऑफ ब्रेक बॉलिंग कराती हैं और 4 ओवर अपने हर मैच में कंफर्म करके जा रहे हैं। शुरू पहले मैच में 1 विकेट नहीं डालता, दूसरा मैच विकेट लेस थी। आखिरी के 3 मैच में देखिए 26 रन + 1 विकेट 4 ओवर, 17 रन 1 विकेट 3 ओवर, और लास्ट में 18 रन 0 विकेट 4 ओवर। अब यहाँ पर देख सकते हैं 4 ओवर 3 ओवर 4 ओवर, मतलब आखिरी के 3 मैच से लगभग 3-4 ओवर हर मैच में डाल रहे हैं। और दूसरी बैटिंग से भी आप देखेंगे 26, 17, 18, मतलब 15 से 20 रन आपको बैटिंग से बना के देंगे, प्लस आपको 3-4 ओवर की बॉलिंग करेंगे। कैप्टन से वेस्ट कैप्टनसी की भी बढ़िया ऑप्शन है, GL में कैप्टन जरूर ट्राई करिएगा। बात करें दोस्तों सोम श्री स्पॉमिक की, ये भी राइट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, अब ये भी अच्छा खासा अपने ओवर करके जा रहे हैं, 3 ओवर 3 ओवर, और लास्ट गेम में 20 रन बैटिंग्स भी किए थे, ऊपर करने आए थे, तो बैटिंग्स भी आपको थोड़ा बहुत बैकअप देंगे, प्लस 2 से 3 ओवर कराएंगे, मोस्ट प्रोबेबली 3 ओवर करने चाहिए, तो एक अच्छी पिक रहेगी, जरूर ट्राई करिएगा। हम तक इसको बात करें बैटिंग सेक्शन से, आपको एक बेहतरीन बैट्समैन मिल जाएगी। लास्ट गेम में 24 किए थे, उसके पहले 9, 21, 4 और 27 का स्कोर है, तो एक बढ़िया पिक रहेंगे। अब बैटिंग सेक्शन को जरूर ट्राई करिए। गवर्नर सुल्ताना की बात करें, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स प्लेयर है, कैप्टन है टीम की, लास्ट गेम में 13 किए थे, 1 विकेट निकाला, 4 ओवर डाल के उसको पहले 6, और यहाँ पे 1 मैच में 31, 1 मैच में बढ़िया स्कोर है, बाकी तो बैटिंग से कुछ खास नहीं कर पाए हैं, और बॉलिंग से भी बहुत ज़्यादा विकेट लेने में नहीं चपल रही। लास्ट गेम में सिर्फ 1 विकेट मिला, पहले मैच में 2 विकेट मिला, अभी तक इस टूर्नामेंट में सिर्फ 3 ही विकेट इनको मिला हुआ है। तो मेरे हिसाब से जब प्लेयर ट्राई करिए CBC GL में ही ट्राई करिएगा, टैलेंटेड है लेकिन अभी उतना अच्छा फॉर्म है नहीं। बात करें दोस्तों सुष्मिता पॉल की, 2, 18, 17 और 12 का स्कोर किया हुआ है, स्मॉल लीग छोड़ दीजिएगा, GL में रोटेट कर सकते हैं। अनिंद्रनाथ बहुत बढ़िया ऑलराउंडर है, लेकिन शुरू में पेसर्स को मदद मिल रहा था तो अच्छा विकेट निकाल लेते, 3 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, लेकिन आखिरी के 2 गेम से जैसे स्पिनर फास्ट पेसर्स को विकेट नहीं मिल रहा तो एकदम से दोनों मैच विकेट ले रहे हैं। GL के अंदर छोड़ने का रिस्क ले सकते हैं, उसका रीजन है दोस्तों क्योंकि बैटिंग से आपको ज़्यादा पॉइंट नहीं देंगे, जितना देंगे भले ही ऑलराउंडर सेक्शन में, लेकिन बॉलिंग से देंगे, मेनली एक प्योर बॉलर है।
अब दोस्तों यदि बॉल फर्स्ट सिस्टम का होता है तो स्मॉल लीग में जरूर ट्राई करिएगा। उसका रीजन दोस्तों स्मॉल लीग में तो दोनों कंडीशन में लेके जाएगा, सीबीसी में बनाई गया जाए प्लेयर लेके जाएगा, लेकिन जीएल में क्या करना है दोस्तों, यदि इस टीम को बॉल फर्स्ट होता है तो जीएल में आपने इनको रखना है, इवन कैप्टन भी आप बना सकते हो। लेकिन यदि इस टीम को बॉल सेकंड होता है तो जीएल के अंदर आप छोड़ने का रिस्क ले सकते हैं। उसका रीजन है बॉल फर्स्ट में नया बॉल रहेगा, पेसर है तो शुरू में हो सकता है मोमेंट मिले तो विकेट ले जाए। दूसरी बात कि यदि डेथ में इनको बॉल मिल गया फर्स्ट इनिंग में तो ये अच्छा खासा विकेट निकाल सकती हैं। तो फर्स्ट इनिंग में इंपॉर्टेंट, सेकंड इनिंग में जीएल में छोड़ने का रिस्क ले सकते हैं जो लोग बड़ी बड़ी जीएल टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग इसको लेके जाएंगे। अंकिता माधव की बात करें, कुछ खास भी कहने छोड़ दीजिएगा, पूजा अधिकारी दो दो ओवर करा रहे हैं तो जीएल में आप रोटेशन में रख सकते हैं, बाकी ज़्यादा कुछ खास भी कहने। नीचे देखेंगे प्रियोसी हैं, लेग ब्रेक बॉलर है, इंपॉर्टेंट रहेगी, आप जरूर ट्राई कर सकते हो, स्पेशली सेकंड इनिंग नहीं छोड़िएगा। तीन ओवर एक विकेट, चार ओवर दो विकेट, चार ओवर चार ओवर, लगातार तीन से चार ओवर की बॉलिंग कर रहे हैं। लास्ट मैच में तीन ओवर डाल थी, उसके बाद लगातार चार चार ओवर डाल रही थी, तो इंपॉर्टेंट रहेंगी। फिर से नीचे यहाँ से निशा माजी छोड़ दीजिएगा। तो दोस्तों आपके सामने परफॉर्मेंस ऐप में देख सकते हो के ए सी वुमेंस का एक्सपेक्टेड प्लेइंग इलेवन विथ बैटिंग ऑर्डर में। अब यदि इनके बेंच में दोस्तों देखें तो बेंच में कुछ प्लेयर है नहीं, यदि बेंच से कोई आएगा तो मैं स्टेट्स आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। अब हम सेकंड टीम की बात कर लेते हैं दोस्तों आर ए सी वुमेंस की। इन्होंने पाँच मैच खेले, इन्होंने भी दो मैच में जीत हासिल किया, तीन मैच में हार का सामना करना पड़ा है। और दोस्तों इनका भी मैंने परफॉर्मेंस मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हो। लेकिन दोस्तों एक बार फिर बता दूं, फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके अपने तुरंत टेलीग्राम चैनल पर एंट्री ले लेनी है, सारी लास्ट मैच की अपडेट और फाइनल टीम आपको वहीं पर मिलेंगी। दोस्तों इस टीम से संस्थाश विश्वास और ऐसे रूपा आशीष दत्ता आपको ओपन करते हुए दिखेंगे। बात करें दोस्तों विश्वास की, लास्ट गेम में 24 किए थे, उसके पहले 6 48 27 और 2 का स्कोर है। तो इनकी देखेंगे तो पाँच में से तीन इनिंग इनकी बढ़िया है और 20 प्लस हैं, 24 48 और 27 के, दो फेलियर भी हैं, तो सामने वाली टीम भी विकेटकीपर से कहीं ज़्यादा बढ़िया है। तो मेरे हिसाब से आप स्मॉल लीग मिनी के साथ जाइए। यहाँ पे आशीष दत्ता को सिर्फ जीएल में रोटेट करिएगा, बीच में एक आधर बॉलिंग मिल जाती है, बैटिंग से फ्लॉप रही है, सिर्फ पहले ही मैच 39 किए थे तो सिर्फ जीएल ट्राई करिएगा। धारा गुजरा स्मॉल लीग उमेश टाइप के हैं, कैप्टनसी की बड़ी ऑप्शन है, तीन से लेकर चार ओवर की बॉलिंग कराएंगे, ठीक ठाक विकेट मिला हुआ है, बहुत ज़्यादा विकेट नहीं ले पाई हैं लेकिन ठीक ठाक चार विकेट निकाला हुआ है उनमें पाँच मैचेस में, और ओवरऑल बैटिंग से भी अच्छा कर रहे हैं, 34 23 17, तो एक इंपॉर्टेंट है, सेफ कैप्टन है। दीपा दास को बैटिंग सेशन से ट्राई कर सकते हो, बॉलिंग करा नहीं रहे, राइट हैंड बैट्समैन है, 24 30 16 5 और 10 का स्कोर है, तो ठीक ठाक पिक रहेंगे, आप ट्राई कर लीजिएगा। यहाँ से प्रीति मंडल ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देगा, जीएल में रोटेशन में रखिएगा, बैटिंग सेक्शन से 8 9 18 और 8 का स्कोर है, बाकी ज़्यादा रिस्की भी है तो आप छोड़ दीजिए, मैक्सिमम टीम में छोड़ के चलिएगा। प्रियंका मधव सरकार की बात करें, लास्ट गेम में तीन ओवर डाल के विकेट लेस रहे, उसके पहले चार ओवर एक विकेट, उसके पहले चार ओवर एक विकेट, उसके पहले यहाँ पे तीन ओवर एक विकेट, तो एक विकेट मिल रहा था, बॉलिंग भी तीन चार ओवर करा रहे हैं, बैटिंग से भी वही 12 15 रहे हैं, तो ठीक ठाक पिक रहेगी, ट्राई कर सकते हो, तीन चार ओवर बॉलिंग डालेंगे, 10 15 बैटिंग से कर सकती हैं। नीचे देखेंगे साइका ईशा, कोई नहीं ले रहा, ध्यान दीजिएगा आप इनकी बॉलिंग देखिए, लेफ्ट आर्म पे सर है, बॉल फर्स्ट सीधे मस्ट पिक है, जरूर लेना है। लास्ट गेम में चार ओवर जीरो विकेट, तीन ओवर जीरो विकेट, चार ओवर जीरो विकेट, चार ओवर जीरो विकेट, चार ओवर एक विकेट, पांच मैच में हर मैच में तीन से चार ओवर डाले हुए लेकिन सिर्फ एक विकेट मिला ब्रो टूर्नामेंट में, भाई इतना बॉलिंग कर रही है एक ही विकेट मिला हो, मतलब इसको अभी उतना मिला नहीं है जितना एक्सपेक्ट करनी चाहिए। लेकिन बॉल फर्स्ट ट्राई करिएगा, जीएल में जरूर ले लीजिएगा, स्मॉल लीग मत लीजिए, बहुत रिस्क रहेगा, कोई नहीं ले रहा, आप लेके जाएंगे आपको वन साइड विन कराएगी, वन साइड लॉस कराएगी, इसलिए जीएल में ट्राई करिएगा, यदि अच्छा लगे तो कुछ जीएल विन कराने का मादा रखती है। मौली मनिक मंडल की बात करें, लास्ट गेम में चार ओवर डाल के विकेट निकाले, दो विकेट तीन विकेट एक विकेट दो विकेट, ऑलमोस्ट हर मैच में विकेट, अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, कैप्टन भी बना सकते हो जीएल में। बात करें दोस्तों अनन्या हरदर के, राइट हैंड बैट्समैन, ऑफ्रेक बॉलिंग कराती है, गुच्छू विकेट देती है, जब लेती है पहले मैच में डायरेक्ट 5 विकेट निकाले, 10 मैच के अंदर 18 विकेट थे, जब इस टीम को फर्स्ट मैच था तभी मैंने बोला था इनको ग्रैंड लीग में कैप्टन ट्राई करेगा, जिन बंदों ने किया होगा तो यहाँ पर जीएल जिता दी होगी, 5 विकेट निकाले, उसके बाद 0 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर आई तो सिर्फ 3 विकेट, तो जब लेगी आपको मतलब अच्छे खासे विकेट लेके जाएगी, तो कैप्टन वगैरह जीएल में बना सकते हो। यहाँ से इन दोनों को मुझे खास तो मतलब समझ में आता नहीं, रसमनी दास को जीएल में आप रोटेट कर सकते हो, दो दो ओवर करा रही हैं, बेंच में कुछ प्लेयर इनके देख सकते हैं, कुछ खास है नहीं, बेंच से कोई आएगा तो स्टेट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो दोस्तों आपके सामने कौन सा आरएसी वो उनका एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 विथ बैटिंग ऑर्डर यही हो सकता है। अब आफ्टर टॉस दोनों टीम के लाइनअप में कुछ चेंजेस होंगे, तो आफ्टर टॉस से जुड़ी हुई सारी अपडेट, फाइनल इस मैच का टीम सब कुछ टेलीग्राम पे दिया जाएगा, लिंक आपको मिलेगा इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में, क्लिक करके तुरंत आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। तो दोस्तों इसमें टीम क्या है, चलिए हम टीम देखते हैं। दोस्तों अभी के लिए हमारा स्मॉल लीग का टीम कुछ ऐसा, विकेट कीपिंग सेशन मैंने एस सुमित विश्वास के लिए और बैटिंग सेशन मैंने ममता किसको, डी गुज्जर और ऐसे दीपा दास के साथ गया हूँ। ऑलराउंडर सेशन मैंने गौरव सुल्ताना, अनिंदता नाथ और ऐसे पी मधम सरकार को लिया हुआ है। बॉलिंग सेशन मैंने यहाँ से पी घोष, एस सुब्रता और यहाँ से ए हल्दर और यहाँ से एन मलिक मलूनी के साथ गया हूँ। कैप्टन दोस्तों बात करें तो कैप्टन में धारा गुजार किया, स्मॉल लीग में सबसे बेस्ट ऑप्शन में वाइस कैप्टन में पी घोष ही रहने वाली है, ये दोस्तों आपको ओपन करके देंगे, प्लस तीन से चार ओवर की बॉलिंग करा के दी, इसलिए मैंने इनको कैप्टन किया हुआ है। सेम हमारे यहाँ पे डी गुजार का, ये भी आपको ओपन करके देंगे, प्लस तीन चार ओवर की बॉलिंग कराएंगी, ये मेरे दोनों सी बी सी हैं जो बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे। और दोस्तों ये जो मैंने आपको फैंटेसी टीम दिखाई, आपको मैंने प्रीव्यू दिखाया, प्लेयर स्पॉट एप्लीकेशन पर दिखाया, इसका क्रेडिट और पॉइंट सिस्टम सेम सपना 11 एप्लीकेशन के जैसे है,
तो आप लोग चाहें तो सेम टीम वहाँ पर लगा सकते हो, फिर आप जिस भी फैंटेसी ऐप में खेल रहे हो चाहे तो सेम टू सेम लगा सकते हो। तो आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहें तो वीडियो का इन्फो यूज़ करके आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। और दोस्तों मेरा जो फाइनल टीम मिलेगा इस मैच का आपको आफ्टर टॉस टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा, जिसका लिंक मिलेगा आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में। लिंक पर क्लिक करिए, तुरंत टेलीग्राम चैनल पर एंट्री ले लीजिए, सारी अपडेट और आफ्टर टॉस मेरी फाइनल टीम सब कुछ आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। और दोस्तों प्ले स्पॉट काफ़ी ट्रस्टेड ऐप है, यदि आप इस ऐप पर खेलना चाहें तो इसका लिंक भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। जब आप टेलीग्राम पर जुड़ेंगे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आपको हम प्ले स्पॉट का लिंक मिल जाएगा, तो आप साइनअप कर सकते हैं। वीडियो लाइक नहीं किया था तो लाइक करके जाना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।